आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। झांसी में हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर के विवादित मामले को बढ़ता देख जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे हकीकत स्पष्ट हो जाएगी कि पुष्पेंद्र की एनकाउंटर में मौत हुई या फिर पुलिस ने हत्या की है। पुष्पेंद्र एनकाउंटर में अभी तक परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौके पर बाहरी पुलिस बल और हजारों की संख्या में परिजन व लोग मौजूद हैं। पुलिस के इस एनकाउंटर के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव समेत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, अन्य सिपाहियों ने फर्जी होने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। पुष्पेंद्र यादव फर्जी मुठभेड़ एनकाउंटर बना सुर्खियों में, घटना के 3 दिन बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के झांसी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक हत्या आरोपी पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा है, पुलिस बेगुनाह लोगों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है। वहीं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के जिला अध्यक्ष भवानी सिंह यादव ने DIG को ज्ञापन सौंपते हुए CBI निष्पक्ष जांच की मांग की है। झांसी से लाइव टुडे के लिए वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में DI महोदय को एक ज्ञापन दिया है। कल जो करुआ खुर्द के पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर के नाम पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी हत्या की गई है, तो हम लोगों ने DI महोदय से मांग की कि उस उक्त मामले प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उक्त मामले में CBI जांच के लिए भी उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए लिखें, ताकि CBI जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमारे एक युवा साथी, अभी उनकी 23 वर्ष की मात्र उम्र थी और उनकी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा हत्या कर दी गई है और पुलिस वाले उनको एनकाउंटर दिखा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने ये मांग की कि उनकी निष्पक्ष जांच करा के और CBI जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी करें, अन्यथा अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाहे हम लोगों को सड़कों पर आंदोलन करना पड़े, चाहे हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब तक हमारे पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में कोई हत्यारूपी गिरफ्तार नहीं होते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता।